हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एन के बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर। मैं आज आपके सामने बीएससी पार्ट सेकंड ईयर बॉटनी के पेपर थर्ड का नया टॉपिक ले रहा हूं, जिसमें पिछला टॉपिक हमने लिया था जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, और उसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स का वर्गीकरण। जिम्नोस्पर्म्स के वर्गीकरण की बात करें तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने जिम्नोस्पर्म को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है, और उस कड़ी के अंदर हम स्पोर्ने नामक साइंटिस्ट की बात करें तो इन्होंने जिम्नोस्पर्म को 1965 में 3 क्लासेज और 9 ऑर्डर्स और 31 फैमिलीज में क्लासीफाई किया है। इसके अंदर जो तीनों क्लास हैं उनके नाम हैं, एक को साइकेडोप्सिडा कहा गया है, दूसरी को कॉर्नी फेरोप्सिडा कहा गया है, और तीसरी को नेटोप्सिडा कहा गया है। जिम्नोस्पर्म्स के इन तीनों क्लासेज के अंदर जो ऑर्डर हैं, यदि साइकेडोप्सिडा की बात करें तो इसमें टेरिडो स्पर्मेल्स ऑर्डर आता है, बेनिटाइटेल्स ऑर्डर आता है, पेंटोजाइलेल्स ऑर्डर आता है, और साइकाडेल्स ऑर्डर आता है। इसी प्रकार से यदि कॉर्नी फेरोप्सिडा क्लास की बात करें तो इसमें कॉडाइटेल्स ऑर्डर आता है, कॉनिफरेल्स ऑर्डर आता है, टेक्सेल्स ऑर्डर आता है, जिंगोइल्स ऑर्डर आता है। इस प्रकार से 4 ऑर्डर कॉनिफेरोप्सिडा में और 4 ही ऑर्डर साइकेडोप्सिडा में आते हैं, और नेटोप्सिडा में सिर्फ एक ही ऑर्डर आता है जिसे नीटेल्स के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से 4+4 8 और +1 9 ऑर्डर्स के अंदर जिम्नोस्पर्म को स्पोर्ने नामक साइंटिस्ट ने 3 क्लासेज के अंदर और 31 फैमिलीज में क्लासिफाई किया है। इन क्लास मेन जो क्लासेज हैं उन क्लासेज के जनरल करेक्टर्स की बात करें, यदि साइकेडोप्सिडा की बात करें तो साइकेडोप्सिडा के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वे प्लांट्स पाम की जैसे होते हैं, फर्न की पाम या खजूर की जैसे होते हैं, या फर्न लाइक फर्न की जैसे होते हैं, और इन प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं ये कंपाउंड होती हैं, संयुक्त होती हैं, और ये जिस प्रकार से फर्न की पत्तियां होती हैं फ्रॉन्ड की जैसे होती हैं, पिनेट या पिच्छाकार होती हैं, वैसी पत्तियां होती हैं। और यदि इसकी कास्ट की बात करें तो मेनोजाइलिक कास्ट होती है, जिसमें जाइलम की मात्रा कम होती है और पेरेन्काइमा की मात्रा ज़्यादा होती है। यदि इनके स्पर्म्स की या मेल गैमेट्स की बात करें, जिन्हें हम एंथ्रोजोइड्स के नाम से या स्पर्मेटोजोइड्स के नाम से जानते हैं, ये नॉन मोटाइल न होकर के मोटाइल प्रकार के होते हैं। दूसरे जिम्नोस्पर्म के अंदर ये नॉन मोटाइल प्रकार के होते हैं, लेकिन साइकेडोप्सिडा के केस में ये मोटाइल प्रकार के होते हैं। और इनके अंदर जो कोन होता है उस कोन की स्ट्रक्चर फ्लावर की जैसे नहीं होती है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसके अंदर सिंपल स्ट्रोबिलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर या इनकी साइकेडोप्सिडा के एग्जांपल्स की बात करें तो साइकस नामक प्लांट इसमें आता है, जामिया नामक प्लांट इसके अंतर्गत आता है। और क्लास कॉनिफेरोप्सिडा की बात करें, कॉनिफेरोप्सिडा के अंदर आने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो ट्री फॉर्म में होते हैं, और उनमें सिंपल लीव्स होते हैं जिनकी शेप अलग अलग प्रकार की होती है। और यदि इन प्लांट्स की वुड की बात करें तो पिक्नोजाइलिक प्रकार की कास्ट होती है, घनदारुक प्रकार की कास्ट होती है, इस कास्ट में जाइलम की मात्रा ज़्यादा होती है और पेरेन्काइमा की मात्रा कम होती है। और इसके अंदर जो सेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको कोन के नाम से जानते हैं, इसमें स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं या कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो नहीं होते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें इनके मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन मोटाइल गैमेट्स जिंगोबायलोबा के अंदर ज़रूर पाए जाते हैं जो कॉनिफेरोप्सिडा का मेंबर हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे पाइनस कॉनिफेरोप्सिडा का मेंबर है। ऐसे ही नेटोप्सिडा क्लास की बात करें तो इसके अंतर्गत जो प्लांट्स आते हैं वो श्रबी हैबिट में होते हैं और ट्री हैबिट में भी होते हैं और लाइनाज लताओं के रूप में भी होते हैं। इन प्लांट्स की पत्तियों की बात करें तो ये इलिप्टिकल होती हैं, चौड़ी होती हैं और स्ट्रैप शेप्ड
या फीते की जैसे होती हैं और सरल होती हैं, सिंपल होती हैं, और स्टेम के ऊपर अपोजिट या वॉल्ड मैनर में व्यवस्थित होती हैं, एक दूसरे के आमने सामने होती हैं या नोड के चारों तरफ ये रॉड चक्रीय मैनर में प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर भी जो मेल गैमेट्स होते हैं ये मोटाइल नहीं होते हैं, ये नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं या मोटाइल स्पर्म्स एब्सेंट होते हैं। इनकी जो वुड होती है उस वुड में वेसल्स पाई जाती हैं या वाहिकाएँ पाई जाती हैं। यदि हम कॉर्निफेरोप्सिडा या साइकेडोप्सिडा की बात करें तो उसकी वुड में सिर्फ ट्रैकिड्स पाई जाती हैं, लेकिन इसकी वुड में ट्रैकिड्स के साथ साथ में वेसल्स भी पाई जाती हैं, वाहिकाएँ भी पाई जाती हैं, वाहिनिकाओं के साथ में वाहिकाएँ भी पाई जाती हैं। और इनके जो स्ट्रोबिलस हैं, इन स्ट्रोबिलस को इनफ्लोरसेंस के नाम से जाना जाता है, पुष्पक्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हायर प्लांट्स या एंजियोस्पर्म के अंदर किस प्रकार का पुष्पक्रम होता है, ऐसे ही इनके जो स्ट्रोबिलस होते हैं उन्हें पुष्पक्रम के नाम से जानते हैं। इसके स्ट्रोबिलस के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये फ्लावर की जैसे होते हैं, पुष्प की जैसे होते हैं, और इन पुष्प के चारों तरफ जिस प्रकार से हायर प्लांट्स के अंदर पेरियंथ परिदल जैसी संरचनाएँ पाई जाती हैं, जिन्हें कैलिक्स और कोरोला के नाम से जानते हैं, जो डिफ्रेंशिएट नहीं होती हैं तब इन्हें पेरियंथ के नाम से जानते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर भी इनके अंदर पाई जाती हैं फ्लावर के अंदर। इसकी एग्जांपल की बात करें नीटोप्सिडा की तो इसमें से नीटम एफिड्रा नामक प्लांट इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो जिम्नोस्पर्म हैं इन जिम्नोस्पर्म्स की सिमिलरिटी एंजियोस्पर्म से मिलती जुलती है, या दूसरे शब्दों में हम कहें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कई प्रकार की समानताएं देखने को मिलती हैं। ये कौन कौन सी समानताएं हैं, यदि हम बात करें इनकी प्लांट बॉडी की तो जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी होती है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, जो रूट स्टेम और लीफ के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है, यानी कि दोनों की प्लांट बॉडी एक जैसी होती है और दोनों के अंदर ही कैम्बियम प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म के डाइकोट्स के अंदर कैम्बियम या एधा प्रेजेंट होता है और सभी जिम्नोस्पर्म में कैम्बियम या एधा प्रेजेंट होता है, जिससे इन प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और इन प्लांट्स का जो फ्लावर्स है जैसे नीटम के अंदर होता है, इसकी सिमिलरिटी एंजियोस्पर्म के अंदर पाए जाने वाले मेल फ्लावर होते हैं उनसे मिलती जुलती होती है। और इनका जो जाइगोट होता है वह जाइगोट फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट के रूप में रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों के केस में ही जाइगोट फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट के रूप में रिप्रेजेंट होती है। और इनका जो ओव्यूल होता है जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म के ओव्यूल के चारों तरफ इंटेगुमेंट पाया जाता है, ऐसा ही इंटेगुमेंट इनमें पाया जाता है। और दोनों ही प्लांट ग्रुप्स को सीड प्लांट्स के नाम से जाना जाता है और दोनों को ही कॉमनली स्पर्मेटोफाइट्स कहा गया है। स्पर्मेटोफाइट्स स्पर्मा मीन्स सीड, फाइट मीन्स प्लांट्स, यानी कि बीजधारी पादपों के नाम से जाना गया है। दोनों ही प्लांट ग्रुप्स के अंदर पोलन ट्यूब प्रेजेंट होती है जो पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन या डेवलपमेंट से बनती है, और इस पोलन ट्यूब के अंदर ही जो मेल गैमेट होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं, फीमेल गैमेट तक पहुंचाए जाते हैं, और इसी कारण से इसे साइफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और दोनों ही प्लांट ग्रुप के अंदर जो स्टील होती है ये यू स्टील प्रकार की होती है, मीन्स दोनों के स्टीलर सिस्टम में पेरिसाइकिल के नीचे वैस्कुलर बंडल का घेरा होता है जो वलय के रूप में होता है, और बीचों बीच में पिथ प्रेजेंट होती है या पैरेन्काइमेटस मज्जा प्रेजेंट होती है। जाइलम हर एक वेस्कुलर बंडल में अंदर की तरफ होता है और फ्लोएम पेरिफ्री की तरफ होता है। इस प्रकार से यूस्टीलिक प्रकार की स्टील दोनों के केस में ही पाई जाती है। तो ऐसी बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती हैं। हालांकि इसके अलावा बहुत सी डिसिमिलरिटीज भी हैं या अंतर भी हैं या डिफरेंसेस भी हैं जो दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं। यदि दोनों की वेसल्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म के अंदर इन जनरली वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, सिर्फ नीटेल्स के अलावा, लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर ट्रैकिड्स के साथ साथ में वेसल्स पाई जाती हैं।
ऐसे ही यदि दोनों के अंदर फ्लोएम की बात करें तो जिम्नोस्पर्म की जो फ्लोएम टिश्यू है उसके अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म के फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स भी पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल की बात करें तो ये नेकड होता है। नेकड मीन्स इसके चारों तरफ किसी प्रकार की पेरिकार्प या फल भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है ये विद इन ओवरी होता है, अंडाशय के अंदर होता है, यानी कि ये फल भित्ति या ओवरी वाल से ढका हुआ होता है। इसी प्रकार से जिम्नोस्पर्म के अंदर जो पोलिनेशन होता है वह सिर्फ एयर के थ्रू या विंड के थ्रू होता है, जिसे एनिमोफिलस पोलिनेशन कहते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर ये पोलिनेशन न सिर्फ एयर के थ्रू होता है, यह इंसेक्ट्स के थ्रू भी होता है, वाटर के थ्रू भी होता है, एनिमल्स के थ्रू भी होता है, और भी बहुत सारे पोलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू होता है। एबायोटिक और बायोटिक दोनों प्रकार के एजेंट्स के जरिए पोलिनेशन की प्रक्रिया एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है। इसी प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें, दोहरा निषेचन की बात करें, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन जैसा फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन से मायने हैं कि यहाँ पर जैसे हम बात करें इस के केस में, ये जैसे एक मेल गैमिट और दूसरा यह फीमेल गैमिट, ये दोनों फ्यूज होते हैं तब इसे जाइगोट के नाम से जानते हैं, और इस प्रोसेस को सिनगेमी के नाम से जानते हैं। एक फर्टिलाइजेशन तो सिनगेमी के रूप में है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन वह फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें एक मेल गैमिट का फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी न्यूक्लियस से होता है, और इससे यह हैप्लोइड मेल गैमिट और यह सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लोइड होता है, और इसके फ्यूजन से ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस बनता है या त्रिगुणित केंद्रक बनता है। इस त्रिगुणित केंद्रक को प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को ही ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं, और इस ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्टेंट इससे एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर सिनगेमी पाई जाती है और ट्रिपल फ्यूजन पाई जाती है। जब ये दोनों चीज़ें सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों चीज़ें पाई जाती हैं तो इसी को डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन के नाम से जानते हैं, जो एंजियोस्पर्म में बनता है। जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होगा तो इससे एम्ब्रियो बन जाएगा, और इस ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस का फर्दर डेवलपमेंट होगा तो इससे एंडोस्पर्म बन जाएगा, और इस एंडोस्पर्म का यूज इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनते समय न्यूट्रिशन के रूप में होता है। तो इस प्रकार का डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, लेकिन इस प्रकार का डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में नहीं देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ सिनगेमी ही देखने को मिलती है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन ही देखने को मिलता है। हालांकि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म भी बनता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वह ट्रिप्लोइड न होकर के सिर्फ हैप्लोइड प्रकार का ही बनता है। जैसे कि यहाँ पर हमने बात की है, यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनता है फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, जिसे हैप्लोइड कहते हैं, और यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद भी बनता है, जो कि ट्रिप्लोइड होता है। इसलिए यहाँ पर हैप्लोइड एंडोस्पर्म और यहाँ पर ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। इसी के साथ साथ में यहाँ पर हम बात करें तो ये जो फ्रूट होता है एंजियोस्पर्म के अंदर तो बनता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्रूट बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर ओवरी पाई जाती है, और जब ओवरी मैच्योर हो जाती है उसमें एम्ब्रियो बन जाता है, तो उसका रूपांतरण फ्रूट में या फल में हो जाता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में ओवरी पाई नहीं जाती है, और पाई नहीं जाती तो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होएगी नहीं, इसलिए इनमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसी प्रकार से जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स की जगह पर
कोन पाए जाते हैं और एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स ही पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने इस के अंदर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज देखे हैं। इसी के साथ साथ में इससे जुड़ा छोटा सा पार्ट हम और ले रहे हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। यदि जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व की बात करें तो हमने टेबल के अंदर पूरे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को समराइज किया है, जिसमें एक तरफ प्लांट्स के बॉटनिकल नाम लिए हैं और उन दूसरी तरफ इन प्लांट्स से कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं वो लिए हैं, और तीसरी तरफ इन प्रोडक्ट्स का किस रूप में इस्तेमाल होता है या यूज होता है। यदि हम साइकस सर्चिनेलिस और साइकस रियोलिटा की बात करें तो इसे सागो नामक प्रोडक्ट प्राप्त होता है जो कि स्टार्च के रूप में होता है और इसे फूड के रूप में यूज करते हैं। ऐसे पाइनस जिराडियाना नामक जो प्लांट होता है उसके जो सीड होते हैं उनको यदि भून करके सेक करके काम में लेते हैं, यानी रोस्टेड सीड्स के नाम से जानते हैं, तो इन्हें भी फूड के रूप में यूज करते हैं। इसी प्रकार से एबीज बालसामिया नामक प्लांट है जिसे कनाडा बालसम के नाम से भी जानते हैं। इससे एक विशेष प्रकार की रेजिन निकलती है और इस रेजिन को ही कनाडा बालसम कहते हैं। इस कनाडा बालसम को विशेष रूप से जब हम लेबोरेटरी के अंदर परमानेंट स्लाइड्स बनाते हैं और परमानेंट स्लाइड के ऊपर मटेरियल को रख कर के उसके ऊपर कवर स्लिप चिपकाते हैं तो कवर स्लिप परमानेंट चिपक जाए, उसके लिए माउंटिंग मीडियम के रूप में इस कनाडा बालसम को इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से पाइनस इंसुलेरिस और पाइनस रॉक्सबर्गाई नामक प्लांट है, इनसे रेजिन और टर्पेंटाइन नामक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इससे पेपर की सीजिंग और वार्निशेज बनाने का काम किया जाता है। इसी प्रकार से एक प्लांट है ऑरोकेरिया जिसे मंकी पजल ट्री के नाम से भी जानते हैं, ऐसे ही पाइसिया और फिल्लोक्लेडस नामक प्लांट। इन प्लांट से टेनिन नामक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसे ये टेनिन इन प्लांट्स की बार्क से यील्ड होता है जिसे लेदर इंडस्ट्रीज के अंदर लेदर को पकाने में या अच्छी क्वालिटी देने के अंदर यूज किया जाता है। ऐसे एक प्लांट है टेक्सस ब्रेविफोलिया या टेक्सस बकेटा जिसे टेक्सोल नामक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इससे कैंसर ट्रीटमेंट करने के लिए एक ड्रग प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार से एफिड्रा जिराडियाना नामक प्लांट है, इसे एक एफिड्रिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। इस एंटीबायोटिक का अस्थमा और ब्रंकाइटिस जैसी जो डिजीज होती हैं उसका ट्रीटमेंट करने में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से पाइनस रॉक्सबर्गाई नामक प्लांट है, इससे एक रेजिन प्राप्त होती है जिसे ओलियो रेजिन के नाम से जानते हैं। इस रेजिन से सोप बनाया जाता है, वार्निशेज बनाई जाती हैं और प्रिंटिंग इंक बनाई जाती है। इसी प्रकार से पाइनस रॉक्सबर्गाई पाइसिया स्मिथियाना नामक प्लांट से वुड पल्प प्राप्त होती है, इसे पेपर या कागज बनाने में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से एक सिड्रस दियोदारा प्लांट है, इस सिड्रस दियोदारा प्लांट की जो कास्ट है उसको इस्तेमाल किया जाता है, विशेष रूप से डॉवर्स बनाने में, बोट नाव बनाने में और रेलवे स्लीपर्स बनाने में विशेष रूप से यूज किया जाता है। इसे देवदार के नाम से भी जानते हैं। ऐसे सिड्रस एटलांटिका, इससे ऑयल प्राप्त होता है, इसे परफ्यूम या परफ्यूमरी के अंदर यूज करते हैं इस ऑयल को। ऐसे थ्यूजा नामक प्लांट, कुप्रेसस नामक प्लांट, ऑरोकेरिया नामक प्लांट और क्रिप्टोमीरिया नामक प्लांट, ये जीनस हैं इन प्लांट्स के। इन प्लांट्स को पूरे के पूरे प्लांट को यूज किया जाता है, विशेष रूप से ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बाग घरों में, गार्डन्स में अच्छा लुक देने के लिए इन प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जिससे प्लांट्स जो घर है वो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। इवन कई बार हम जैसे शादी ब्याह में जाते हैं तो बुक्के वगैरह देते हैं, उसके बीच में इन प्लांट्स की ट्विक के बीच में फ्लावर्स रख देते हैं जिससे फ्लावर्स काफ़ी डेकोरेटेड दिखाई देता है। उस रूप में ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से और ब्यूटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको यूज किया जाता है। इस प्रकार से आज हमने जिम्नोस्पर्म के इस सेकेंड वीडियो के अंदर जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन एज वेल एज इसके डिफरेंट क्लासेज की जनरल करैक्टरिस्टिक्स और इसके साथ साथ में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से
क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, डिसिमिलरिटीज़ हैं और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस कोरोना काल में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अध्ययन कीजिए। और ई कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर एन के बावलिया से लगातार जुड़े रहिए और कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।